गाइस, BGMI जो कि इंडिया का एक पॉपुलर गेम बनता जा रहा था, उसे हाल ही में बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस गेम के एक लार्ज प्लेयर बेस बन चुका था कंट्री में विद ओवर 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स। 2 साल पहले भी गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के कारण कई सारी चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग पबजी बैन कर दिया था। अभी इस महीने गूगल और एप्पल दोनों ने अपने प्लेटफॉर्म से इस गेम को रिमूव कर दिया है। इनसे जब पूछा गया ये BGMI बैन क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कैप्टन और गूगल ने कहा है कि इनके गेम है, खास करके शूटिंग गेम, ये वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसके बैन के पीछे कुछ नेशनल सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ इंटरनल डेटास, हमारे नेशनल इंटरनल डेटास बाहर के देशों में सप्लाई किए जा रहे हैं। ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है किसी की तरफ से। और जब इसके जो डेवलपर है क्राफ्टन, इन्होंने ये कहा है, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि इनके जो गेम है अपने यूजर्स के डेटा चाइनीज सर्वर्स के साथ शेयर कर रहे थे। तो क्राफ्टन ने यह कहा है उन्हें ये इशू इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस इशू को। चाइनीज टेक जायंट टेंसेंट जो पबजी का भी डेवलपर था, उसने कहा भी क्राफ्टन 13.5% के आसपास स्टेक है कंपनी में। तो इस वजह से क्राफ्टन के ऊपर ये क्रिटिसिज्म चल रहा है कि टेंसेंट इसका स्टेक होल्डर होने के कारण ये अपने यूजर्स के डेटा टेंसेंट को फॉरवर्ड कर रहे थे, जो कि एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है। इसलिए तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, इस वजह से इस गेम को बैन किया गया है। अब सवाल ये बनता है कि क्या BGMI अभी खेल सकते हैं, हालांकि इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से पूरी तरह हटा दिया गया है। पहले जो कुछ भी था ये सब रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपके साथ ये सब शेयर किया है। कमेंट करके बताइए कि आपके क्या व्यूज़ है इसके ऊपर। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।